everyone. Today I am here to tell you a new story. Hope you like this story. If you like this story, please like, share and subscribe my channel. So let's start the new story with new moral. एक बार की बात होती है, एक माँ होती है और एक बच्ची होती है. माँ जो होती है वो काफ़ी ही प्रेयर लाइफ वाली होती है. बच्ची जो होती है वो कभी भी प्रेयर नहीं करती है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना अपने फ्रेंड्स के साथ बिताती है. उसकी माँ हमेशा कहती है कि बेटा प्रेयर को भी टाइम दो, क्योंकि जैसे तुम फ्रेंड्स को टाइम देती हो वैसे ही गॉड को भी टाइम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहती है कि गॉड को कभी भी टाइम नहीं देती है. और उसकी माँ ये समझाते समझाते काफ़ी परेशान हो जाती है. एक बार उस बच्ची का टूर जाता है और उसकी माँ बोलती है, बेटा अपनी गाड़ी में जो है गॉड को बैठा लो. तो वो बोलती है, माँ आप कौन होते हो कि मुझे समझाओ, मुझे बताओ कि गॉड को मैं अपने साथ गाड़ी में बैठा लूँ. वो अपनी माँ का कहना नहीं सुनती है और वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारे गॉड को बैठाना ही है तो तुम्हारे गॉड के लिए जो है मेरी डिग्गी में जगह है, अब मेरी डिग्गी में गॉड को बैठा लो. तो वो कहती है, ठीक है, देखना मेरा गॉड इतना ज़्यादा महान है कि ये जो एग जो तुमने डिग्गी में रखे हैं वो जैसे हैं वैसे ही वहाँ तक जाएंगे. वो लड़की जाती है वैसे ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है. जब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसको सडनली उसको अपनी माँ की बात याद आती है कि माँ ने सही बोला था कि मुझे प्रेयर करनी चाहिए थी. जब वो गाड़ी में पीछे मुड़ कर देखती है वो एग एज इट इज़ होते हैं और उसके जो है उन लड़की के जो होता है पैर में काफ़ी चोट लगी होती है. तो वो कहती है कि सच, जब वो बाद में वापस अपने घर आती है वो कहती है, सच में माँ तेरा गॉड बहुत ही ज़्यादा महान है कि जिसने एग को सुरक्षित रखा, जो कि वहाँ तक अच्छे से गए लेकिन मेरे इतनी सारी चोट लगी, एग में ज़रा सा भी क्रैक नहीं आया. तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको यही सजेशन दूंगी कि प्रेयर को भी टाइम दीजिए, क्योंकि जैसे हम एक आर्ट बनाते हैं वैसे ही हमें बनाने वाला भी कोई है जिसने हमको बनाया है. और हम यदि उसको टाइम नहीं देंगे, उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करेंगे तो सच में हमारे काम कोई भी सफल नहीं होंगे. क्योंकि जैसे एक वॉच को बनाने वाला कोई है वैसे ही हमें बनाने वाला भी कोई ना कोई ज़रूर है. तो इसीलिए फेथ रखें और हमेशा प्रेयर ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप प्रेयर करेंगे तो प्रेयर आपके लिए अच्छे से अच्छे रास्ते खोलने की ताकत रखती है. Hope you like this story. If you like this story, please like, share. Thank you.